हेलो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं जेनसेन इंपैक्ट इंपैक्ट इंपैक्ट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। लड़की कमा लेना वैसे ही। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मेरी भी बहुत गर्लफ्रेंड है, बस कहाँ है वो नहीं पता। बकवास बातें साइड में, बट ये गेम में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। पर गाइस, आप अपने कपड़े मत फाड़ना। अगर आपको फाड़ना है तो वो लाइक वाला बटन दबा के उसे फाड़ दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा जन्म हो चुका है और साल है 1969। मजाक कर रहा हूँ। चूना लगा दिया। सो गाइस, आज का मिशन है हमें अपना एडवेंचर रैंक इंक्रीज करना है। और ये कैसे इंक्रीज होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। अब्बास, तो वही तो अपने को ये गेम में पता करना है। तो जैसे मैं यहाँ से जा रहा था, मुझे एक अबला नारी ने बुलाया और उसे मदद नहीं चाहिए थी, वो मेरी मदद करना चाहती थी। तो इसकी राम कथा सुनने के बाद मुझे ये पता चला कि इसके पास रिवॉर्ड मिलने वाला है मेरा एडवेंचर रैंक इंक्रीज होने पे। तो आप देख सकते हो ये मेरा 2 रैंक, इसे मैंने क्लेम करूंगा। एंड गाइज, ऐसे करके मुझे 8 रैंक तक मुझे क्लेम करने का चांस मिलेगा, क्योंकि मेरा 8 रैंक कंप्लीट है। सो गाइज, मैंने 8 रैंक तक अपना सारा रिवॉर्ड क्लेम कर लिया, बट अभी भी सवाल वहीं आके अटकता है कि मेरा एडवेंचर रैंक इंक्रीज कैसे होगा। शिट। पर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अब तक ये गेम खेला है, मैंने अब तक गेम को एनालाइज किया, जिस हिसाब से मेरी थ्योरी कह रही है, ज्यादा से ज्यादा अपोनेंट को डिफीट करना पड़ेगा एंड उनके ट्रेजर को हड़पना पड़ेगा, लाइक उनके ट्रेजर को क्लेम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे इंक्रीज होगा एडवेंचर रैंक। और गाइस, बिना एडवेंचर रैंक के मैं टेम्पल के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। और आप सब ये सोच रहे होंगे टेम्पल क्या है। तो टेम्पल एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपोनेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स होते हैं, जिसमें काफी ज्यादा कमाल की लूट होती है एंड हमारा एडवेंचर रैंक भी उससे काफी ज्यादा इंक्रीज होता है। तो गाइज, एंड ऑफ द डे हमें ये करना है कि हमें अपना एडवेंचर रैंक कुछ भी करके इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे रानी के किले में और रानी को हम उनका ट्रेजर लौटाएंगे जो हमने काफी ज्यादा मेहनत से वापस लाया है, और बदले में रानी हमें बहुत कुछ दे सकती है। तो अपन पहुंच गए रानी के ऑफिस में। मैं महल में भी गया था बट वहां पे रानी नहीं थी। और अब हम फटाफट से अंदर चलते हैं ताकि हम रानी को उनका ट्रेजर लौटा सके। यहाँ पे 2 पहरेदार खड़े हैं। तो गाइस, मैं अंदर नहीं जा सकता, ये हाथी के बच्चे अंदर जाने क्यों नहीं दे रहा मेरे को। हाँ, हाथी के बच्चे, ये हाथी का बच्चा नहीं तो और क्या कहूँ तुझे। तो हाथी के बच्चे से मुझे ये पता चला कि मैडम बहुत ज्यादा बिजी। तो भाई, मैं खुद ही जाके ट्रेजर जमा करके आ गया हूँ और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लाइब्रेरी, जो मुझे यकीन है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उन लोग खुद भी कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि मैं भी नहीं जाता। इतनी सारी किताबें देख के तो मुझे चक्कर आ रहे गाइस, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी लाइब्रेरी में गया नहीं और फर्स्ट टाइम मैं इतनी सारी किताबें देख रहा हूँ। तो इधर रूल्स भी है कि साइलेंट रहो, अपने गोल्स पे ध्यान दो, अपना एम सेट करो, ब्ला 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 ब्ला। और गाइस, मैं आपको 5 सेकंड के अंदर फटाफट से लाइब्रेरी का सारा टूर कराता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ सर दुख रहा है। सिर दर्द है? ऐसा लग रहा था लाइब्रेरी से नहीं जेल से बाहर आ रहा हूँ यार। और गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब आपको वो लेडी बुलाएगी, जब आपका एडवेंचर रैंक क्लेम कर पाओगे, तब आपका एक और ऑप्शन खुल जाएगा एंड वो ऑप्शन है ये बुक। इसके अंदर आप काफी ज्यादा क्लेम कर सकते हैं, आपने अब तक जो जो टास्क कंप्लीट किया उन सब का क्लेम आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ये आपके काफी ज्यादा मदद करेगा एडवेंचर रैंक बढ़ाने में। सो गाइस, इसकी मदद से आपका एडवेंचर रैंक काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। इसकी वजह से मेरा एक एडवेंचर रैंक इंक्रीज हुआ, मैं 8 पे था, मैं 9 पे आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी ये गेम खेलो और आपको भी ये सारी चीजें पता हो, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो देख सकते हो गाइस, ये प्रूफ है मेरा, पर आप देख सकते हो 8 रैंक था, अभी मेरा 9 रैंक पे मैं आ चुका हूं। और अभी आ गया है रिवील का वक्त, जिस क्रिएचर से मैं लड़ने वाला हूं वो है ये गाइस, इसके पास है विंड की पावर एंड गाइस ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और अब हम फटाफट से वहां जाएंगे जहां ये रहता है या फिर इसकी जहां प्लेस है, एंड गाइस वो प्लेस भी काफी ज्यादा अलग से मैप में आपको सेपरेटली उसकी एक जगह दिखने वाली। एंड गाइस, मैं आप सबसे बहुत सॉरी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आप सबके लिए
लाइक बना के रखा था पूरा वीडियो, बट पता नहीं कैसे वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मतलब मेरे को नहीं पता कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग उस टाइम पे बंद था, जिसकी वजह से मेरी आधी फाइट आप मिस कर चुके। बट अभी भी फाइट में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से मॉन्स्टर मरा नहीं और ना ही वो मरेगा, क्योंकि आप देख सकते हो मेरा एक बो उसका कितना कम हेल्थ ले रहा है, एंड उसका एक भी वार मेरा पूरी तरह से मेरी हेल्थ की धज्जियाँ उड़ा दे रहा है। और गाइज मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा हार्ड फाइट थी, मैं पिछले एक घंटे से इससे लड़ रहा था, आपको झूठ लगेगा बट पूरे एक घंटे से मैं इससे लड़ रहा था। मैंने अपने साथ काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स, काफ़ी सारे एचपी बढ़ाने के लिए मैं अपने साथ फूड लेके आया था, बट आप देख सकते हो मेरे दो कैरेक्टर पहले डिफीट हो चुके हैं। सो गाइज आप ये फाइट इंजॉय कीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपको एंड में। एंड गाइज इसने ये दो बार कर चुका है, मैंने इसे दो बार एलिमिनेट कर चुका हूँ इतने पे, बट ये दो बार यहाँ पे आके अपनी पावर फिर से रिस्टोर कर लेता है। पर मुझे नहीं पता मुझे इसे कैसे हराना, एंड मेरे दो कैरेक्टर पहले ही डिफीट हो चुके। तो गाइज मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। सो गाइज अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और अगर आपको पसंद आया है, तो आपने यहाँ तक देखा है तो मतलब आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो गाइज प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। और गाइज ये गेम एक तरह का रेवोल्यूशन रहेगा इंडियन गेमिंग के लिए, क्योंकि इंडियन गेमिंग के इंडस्ट्री में ज़्यादा करके तीन चार गेम ही मेन है, जैसे कि एक हो गया अपना पबजी, दूसरा फ्री फायर एंड तीसरा अपना GTA 5। तो गाइज इस गेम को इतनी वैल्यू नहीं है, जबकि ये गेम का ग्राफिक से लेकर सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज मैं इसके लिए चाहता हूँ ये गेम को भी थोड़ी उसकी वैल्यू दिया जाए, आप सब उसको इतनी वैल्यू दो। इसके लिए गाइज मैं ये गेम खेल रहा हूँ, ना कि पबजी और फ्री फायर। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।